वेलकम बैक टू माय चैनल आपसी ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब लोग आए, अपने ठीक ही बोलता हूँ, मेरी वॉइस भी एकदम क्लियर आती है बोलता हूँ। और एक जुगाड़ कर रहा हूँ, जब भी मोटर ब्लॉगिंग करते हैं बाबू को, मेरे फ़ोन में वॉइस एक विंड वॉइस आती है, वो क्लियर होने के लिए थोड़ा जुगाड़ कर रहा हूँ। बट अभी के लिए आपको तुम आपको ये वॉइस कैसा आती है तुम्हें जज करके बोला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ वॉइस कैसा आती है बोल को। एंड आसपास के जो नॉइस वो है थोड़ा बहुत इग्नोर करो, कहीं करो तो घर के ऊपर आके तो सिंगर थोड़ा आते थे, क्या कर सकते हैं इसमें तो भी। सो आज का एक कार्यक्रम हमारा, कार्यक्रम में बोला देखो सिग्नल लाइट के बारे में हमारा एक कार्यक्रम है, वो क्या रहेगा तो आप तुम्हें सब जने जितने के पास KTM है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। KTM के मॉडल जितने भी, या तो ड्यूक ले लो, RC ले लो, दो मॉडल्स में आगे आपको रेयर इंडिकेटर आपको थोड़ा बैक साइड देने वे आपको उतरने में भी चढ़ने में भी क्या पवा लग को जो बेंड होती तब टूट जाते हैं, कहते दर्द फिर टूटते हैं नहीं, वो रेयर इंडिकेटर टूट जाते हैं आपको। मुझे अभी तक एक रेयर वाला लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर मिला है अभी तक, मैं शोरूम जाकर कहते बोला तो अभी तक स्टॉक आने बोलते हैं। ओल्ड वाले ड्यूक 200 के जो ओल्ड वर्जन है ड्यूक, उसके आगे इंडिकेटर कैट वायरिंग कटिंग करके डालना बोले, बट 600 डाल को भी इतने होते अच्छे से इंडिकेटर प्रॉपर लगा सके नहीं बोले तो, क्योंकि वेस्ट 600 उसके ऊपर डालना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बोल को, उससे तो भी दूसरे एक यूनिवर्सल ले ले को एक सिग्नल लाइट उसके ऊपर डाल सकते हैं। हाँ भाई, जिसकी मर्जी उन तो डाल सकती हूँ, नहीं ऐसा डाल सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ बोल को डाल सकती हूँ, मगर मुझे तो भी उतना इरादा ना है वो डाल को कटिंग ज्वाइन देने के बाद एक आधा पानी गिने जाने के बाद फिर को वो आग इश्यू देखो फिर वो ख़राब होने को हो गए तो भी दाल को फ़ायदा होता नहीं, मैं वो दिल कबूलता नहीं है डालने के लिए। इसके लिए मैं एक दूसरे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स मंगाया हूँ, तुम्हें देखो दिखा दूँ कैसे हैं कि तुम्हें कमेंट करके बोलो कैसे हैं कि तुम्हें अच्छे लगेंगे या फिर नहीं बोल को, अब दिखा दूँ देखो। तो ये हैं हमारे इंडिकेटर्स LED ट्रांसलाइट फ्रॉम मोटो केयर, मैं देखें तो अच्छे हैं ये, तुम्हारा ओपन कर दिखाते हैं एक बार देखो। इसमें आप 4 आते हैं सिंगल लाइट हैं, कहते तो तुम्हारा 4 भी डाल सका, चार इंडिकेटर आते हैं, और तुम्हें आपको फ्रंट दो बैक दो लगा सकते हैं, बट मैं तो क्या रिकमेंड करता हूँ कहीं तो सामने के अच्छे रहते हैं, पीछे के बदला ले रिकमेंड करता हूँ, पीछे से तो पीछे का आपको चेंज कर लो रिकमेंड करता हूँ 4 में से भी, कह रहे तो सामने से आपको कभी क्या होता है बैक वाले ज़्यादा इशू होते हैं, तुम्हें उसके ऊपर 600 डाल को बदलाना रखना तो वेस्ट हो, बट तुम्हें एक बार ये डालने से तुम्हें बेटर बोला था मैं तभी, वैसे तुम्हें आपको पीछे के 2 इंडिकेटर चेंज करना तो अच्छा था बोला मैं तभी रिकमेंड कर लेता हूँ। और एक इंडिकेटर एक बार दिखा तुम्हें देखो के इसमें आपको 4 क्वान्टिटी में आपको देता है कुछ इस तरह से इसी है, अपना क्लियर जैसे ही बोलता हूँ, नहीं तो एक बार ये गाड़ी को फिट करने के बाद भी फिर एक बार दिखा दूँ आपको। इसमें क्या रहेगा तो मैं गाड़ी को टेस्ट कर सकता हूँ बाबू, जो इसमें ये 1 2 3 4 ये 4 जो है ये 4 ब्लिंक होते हैं, ये कम के ऊपर ब्लिंक होते नहीं, ये क्या रहता है मैकेनिक पूछा सकता हूँ क्या बोला रहे तो कंडेंसर क्या डालना बोला वो डाले तो मे बी ये ऑलमोस्ट ऑल मार्क्टिक पूरे प्रतिम बोलता है, बट जा एक बार ट्राई करेंगे वो होता है कि नहीं उसमें भी, मगर मैं तो भी वो 600 रुपये को वो तो शोरूम के जो स्टॉक आते हैं वो चेंज करना बोलता हूँ, सो इसके लिए ये चेंज करता हूँ। ये तुम ये 4 के 4 भी तुम्हारा अंडर 400 आए थे, 400 के अंडर तुम्हारा कॉस्ट पड़ता है 4 के 4। सो मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये तो अच्छे ही बोलता हूँ मैं तो भी, डालने के बाद भी मालूम पड़ता है क्या हिसाब से परफॉर्मेंस देते हैं बोल को। एंड आप जाएंगे फटाफट हम जाकर देखेंगे। आई होप मैं सोचने का वॉइस करेक्ट आती बोले तो हूँ कहीं तो वो जो जुगाड़ बोले हूँ वो जुगाड़ ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसफुल से होता है बोले तो हूँ कहीं रहे तो मोबाइल से शूट करने की वजह से आपको माइक का भी वॉइस आपको वो उसमें इन्वॉल्व होता था, वो जुगाड़ की वजह से एक मैक्सिमम तुम्हारा वॉइस क्लियर आती है बोले तो हूँ मैं तो भी। सो तुम्हें को भी करेक्ट रहती तो वॉइस आपको कमेंट से कमेंट करके बोलो करेक्ट से आती है कि नहीं की। एंड अब ये जो सिग्नल लाइट जो है मैकेनिक के पास जाता हूँ मैं, और क्या रहे तो सो मैं आज कुछ वीडियो बनाना बोल रहे चंपा को, क्लाइमेट इतना ताज़ा था थोड़ा ठंडा रहो से मौसम इतना प्यारा था ठंडा रहो को, जब गाड़ी लेकर बाहर निकली हूँ ऐसी धूप मारती है वो
जस्ट ऐसा समझो कि चमाट पे चमाट चमाट पे चमाट मारती है धूप, उतनी बुरी गंदी धूप है तो भी वो हेलमेट के अंदर पूरा पसीना पसीना छुट्टा है मेरा तो भी। शॉप जो दिखाने गई थी जब मैं वो सिंगलेट जो ले आती हूँ वो शॉप फिलहाल मुझ को है क्लोज करके, मैं भी दफेरा टाइम में खाने गए थे लंच को गए रहते दफेरा टाइम में भी लंच को गए रहते हैं। सो इस बार नहीं तो अगली बार दिखाने की कोशिश तो करता हूँ इंशाल्लाह ज़रूर से। तुम्हारा एक्चुअल से रूट बता दूँ मैं तभी रायचूरी में तुम्हारा मामला बोले तो बंगलेपो से स्ट्राइट आए तो मदनपल्ली रूट एंड चित्तूर रूट है कहा था, मदनपल्ली रूट में गए तो थोड़ा आगे जाने के बाद आपको टी टाइम है, टी टाइम की थोड़ा आप अब जरा एक 220 मीटर सामने गए तो राइट साइड को आपको ए आर ऑटोमोबाइल्स का तो होता शॉप दिख जाती तुम्हारा को अवेलेबल हर एक चीज़ मिलती बोल तो मैक्सिमम मैं तो भी रेडिएटर गार्ड्स हैंडल वो हैंडल के कपा आती नहीं वो एंड तुम्हारा सिंपल से वो ऐसे खटिन आता ना वो भी प्रोडक्शन गार्ड के मत वो एक आती एंड वाइजर्स और बुलेट के जो भी स्पेयर पार्ट जो होना तो भी सब भी मिलते तुम्हारा उधर पर तो भी ये आर ऑटो स्पेयर पार्ट्स ओके तुम्हें जाको होना तो ले सकती एंड नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर वो वीडियो भी शॉप का वीडियो दिखा दो एक बार तुम्हारा को क्या क्या मिलते हैं अवेलेबल क्या रहते हैं तुम्हारे बोल को एंड अब फिलहाल हमारे फ्रेंड के पास जाको सिग्नल लाइटा डलवा लेंगे कहीं करे तो अब सिग्नल पर जाना खुल गया बोले सिग्नल अब वहाँ जाकर वेट करने के बोल से वहाँ जाकर सिग्नल लाइटा डला रहा था तुम्हारा मेरा ब्लॉग तो कंटिन्यू हो रहा था उसके लिए इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट टाइम आपको तुम्हारा दिखा दूँ वो शॉप के बारे में ओके Boy stuck in time, love, let me go. Cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keeping strong. So now I'm moving on. I don't wanna feel the same, so love, just let me go. हमारे साथ खाली गलत से ना होते हैं खाली वो मैंने बाहर जा कर अच्छा कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे हम लोग को गाड़ी बाइक हाँ लग थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे फिलहाल सिचुएशन ये हमारी एक सिग्नल लाइट है एक सिग्नल लाइटना है इसमें क्या रहता है मैक्सिमम आपको एक 8 to 7 months तक नहीं लग पड़ता लगा 1 month को तोड़ गई लाइट है सो अभी तक एक 6 months से यूज गाड़ी चलाता हूँ अब 6 months के बाद एक 9 months के बाद अब एक सिग्नल लाइटा चेंज होते हैं सिग्नल लाइटा चेंज करने के बाद फिलहाल अभी की सिचुएशन है हमारी ये सिग्नल लाइटा जाकर अभी सिग्नल लाइटा हमारे इंडिकेटर चेंज होते हैं और एक बात बोलना है कि हमारे इंस्टाग्राम आई मीन यूट्यूब लोगो भी आ गया है हमारा एक ब्रांड वाला एक लोगो है था भैंसी ये लोगो हमारा मेरे नाम का एक लोगो है था भैंसी ओके अब वो ये सिग्नल लाइटा चेंज कर डालेंगे चेंज करने के बाद ये कैसे लगती है ये लुक भी देखेंगे वो फिलहाल लुक ऐसा है जस्ट इमेजिन करो अब वॉलेट बैठा कैसे कैसे रहता कि एंड वो जाकर वे सिग्नल लाइटा आते स्टे ट्यून एंड वॉच इट तुम्हें ये जो फिलेंस इट करने के बाद आपको टेल लाइट वाली ये लाइट एंड ये जो है ये रेड लाइट डेंजर लाइट करेगा और ये दो जो है सिग्नल लाइट के ये लेफ्ट ये राइट रेड वाला जो राइट है ग्रीन वाला लेफ्ट कार्डन को चेंज कर देंगे Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of
Guess I didn't know it went this way. पूरा फिट करने के बाद माशाल्लाह कुछ इस तरह का हिस्सा है। एंड एक बार सिग्नल लाइट डाल दिखा दूँ फातिमा को। ये रही हमारी लेफ्ट साइड वाली इंडिकेटर एंड राइट साइड वाली एक बार दिखा दूँ। एंड ये राइट साइड वाली इसमें क्या रहा तो मैं बराबर देखा तो इसमें ही सेलेड है। मैं आपको चार लाइट ब्लिंक होते हैं एंड इस साइड के लेफ्ट साइड के दो किच दो इस तरह से ब्लिंक होते हैं। अब ये पूरे एक आधा ब्लिंक होना बोले तो हमको तो इसमें पूरे ब्लिंक होते हैं तो बोले क्या नहीं पूरे ब्लिंक होते हैं पूरे वर्क होते ही है। जब कभी हमें आपको लगा में जब कभी भी गाड़ी को फिट करते हैं उस टाइम पे आपको बाइक को सा लगा दे चार एलईडी ब्लिंक होते हैं। एंड जब कभी तो डायरेक्ट बैटरी को जब लगाते हैं टेस्टिंग के लिए तब पूरे ब्लिंक होते हैं। ओके एक आधा हमारे पूरे एलईडी मरना बोले तो आपको पार्किंग क्या दूसरे आती है वो डालना पड़ता है। बट मैं ये डालने का रीज़न कह रहा था ये फ्लेक्सिबल है ना इसे क्या होता है टूटते नहीं है। एक बार दिखा देखो देखो ये ऑलमोस्ट ऑल क्यों फिर तो उसमें फ्लेक्सिबल है क्या होते नहीं बच्चा फिर है तो थोड़ा तो क्या होते नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम्हें भी लक को भी जाते हुए लक को थोड़े आने के चांसेस बहते नहीं फ्लेक्सिबल है ना वैसे। एंड एक बार मैग्नेट भी दिखा दूँ नाइट भी कैसे कितनी लाइटिंग आ देखो उसमें आता डालना कि नहीं तुम्हारा कोई कड़ी आती है। एंड ये तो अच्छे लगे हैं सिग्नल लाइट ना लाइटिंग कम रही नाइट टाइम में भी थोड़ा ज़्यादा पड़ती बोल लेता हूँ उसकी वजह से मैं डाली मैं फ्लेक्सिबल है ना उसके लिए वो भी मेरा एक पॉइंट था उसके लिए डाली है। एंड तुम्हारा ओपिनियन कैसा कमेंट से कमेंट करके बोलो। अब एक बार नाइट भी देखो तुम्हें कैसा था लाइटिंग है। एंड टाइम आपको 10:28 होता है एंड आप नाइट भी दिखा देखो कैसा क्लैरिटी आती है मीन सिग्नल लाइट कैसा क्लैरिटी आती है बोलो। ये जो हमें इंडिकेटर डाली है इसमें कैसे लाइटिंग आती है दिखा देखो वो कुछ इस रकम से इसमें आगो इंडिकेटर्स में लाइटिंग ब्लिंक होती है वो चार है तभी। एंड कुछ इस तरह से इसमें लाइटिंग इंडिकेट होती है इंडिकेटर में वो चार एलईडी लाइट चलते हैं तभी। और डालने के बाद डाल सकते हैं सिग्नल इंडिकेटर अच्छे रहते हैं। आई होप तुम वीडियो अच्छा लगा बोलता अच्छा लाइक करना है सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर मी मेकिंग पार्ट ऑफ योर सीजन ब्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर खुदा हाफिज़।